नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, अपना नाम बताओ एक बार। उमेश कुमार। उमेश कुमार, जो मैं पीछे देख रहा हूँ ये किस चीज़ का काम चल रहा है, ये समझाओ थोड़ा सा। ये सफेद रसगुल्ला बनता है। सफेद रसगुल्ला, अच्छा तो कब से कर रहे हो इस काम को जी? 5-6 साल हो गई। 6-1 साल हो गए। तो जैसे आप रसगुल्ले बनाते हो, मतलब सफेद रसगुल्ले बनाते हो, काले नहीं बनाते? नहीं, हम सफेद ही बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज मतलब यूज होती है और किस चीज से बनता है ये बताओ हमें। ये दूध से बनता है, पहले दूध उबालते हैं। अच्छा, फिर निकालेंगे, कुछ ठंडा करेंगे, उसे हिसाब से जितना हमें फाड़ना है उसे फाड़ के फिर पनीर निकालते हैं। अच्छा, उसका पनीर बनाते हैं उसी दूध का। उसमें क्या घेरते हो फिर पनीर में? पनीर में तो फिर अरारोट लगाते हैं इसमें। अच्छा, वो क्या चीज होती है जी? सिंगाड़े का बनता है वो। सिंगाड़े का? इसमें भी ये पनीर है हमारा। अच्छा, ये ठंडा करना पड़ता है पनीर। अच्छा, बर्फ लगा के ठंडा करना पड़ता है, नहीं खराब हो जाता है फिर ये। जी जी। तो भैया जी, जैसे भैया मैं देख रहा हूँ ये कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ये सर पनीर निकाल के 7 किलो तोल रहे हैं अलग। अच्छा, इसमें 7 किलो अपने तोल के निकालना पड़ता है। इसमें मसाला लगेगा, तो बैंकिंग पाउडर लगेगा इसमें। अच्छा अच्छा, रसगुल्ला फुलाने के लिए। जी 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 जी। फिर थोड़ा इसमें अरारोट डलेगा तोल के, अरारोट भी तोल के डालना पड़ता है। अच्छा, फिर ये कुटा जाएगा? हाँ, फिर ये इसमें हाथ लगेगा बढ़िया करके, सोप कर जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर मशीन में डलेगा? फिर मशीन में डलेगा। चलो एक बार अंदर चलो। तो ये भैया जो मशीन में देख रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यूनिक लग रही है, इसका क्या काम है? यहाँ पे हमारी मशीन उस टाइम ऑफ है। अच्छा, ऑफ है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हमने चालू करी। अच्छा, मेन सप्लाई से चालू हो गई। अच्छा, हमारा ये हमारा अंदर ये गिलास है, तो जैसे इसमें पनीर डलता है हमारा। अच्छा, इसमें पनीर डालने के बाद में हमें मशीन अपनी चालू करेंगे। जी जी। यहाँ से ग्रीन हो जाएगी। अच्छा, ग्रीन होने के बाद हम इसका प्रेफर लाएंगे तो ये प्रेफर नीचे जाएगा, फिर ये पनीर यहाँ से पीछे निकलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये पीछे इसमें कटिंग होगी, हम यहाँ से नंबर भर देते हैं इसमें, ये पीछे पनीर कटिंग करेंगे मशीन। कटिंग अपने आप ही करेगी ये? हाँ, ये रहेगा ये पनीर अपना नीचे कटिंग होएगा मशीन से। बहुत बढ़िया। कटिंग होएगा फिर यहाँ पे इसमें गिरेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे चलेगी, इसके अंदर यहाँ पनीर जाएगा, इसके अंदर फंक्शन है यहाँ पे जो भी है। जी जी जी। फंक्शन यहाँ पे गोल होएगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, गोल चलते 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 यहाँ पे हमारी ट्रे लग, हम यहाँ पे ट्रे लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर से हमारे मशीन खोल हो गए, यहाँ पे ट्रे पे निकलते रहते हैं। जैसे ये जो रसगुल्लो के जो ये हो रहे हैं, रसगुल्ले जो तैयार हो रहे हैं जी, ये अपने आप ही कर देती है ऑटोमेटिक? हाँ जी, ऑटोमेटिक। तो कितने रसगुल्ले के बना देती होगी जी? अब तो हम तो 7 किलो भरते हैं इसमें। ये 7 किलो का दोनों का मटेरियल है? दोनों ट्रे हैं जी। बहुत बढ़िया। अब ये 257 चल रही है, जैसे 250 वोल्ट 257 वोल्ट जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे आप बता रहे हो कि इसमें साइज कैसे पता चलेगा भाई, छोटा बड़ा? साइज हमें यहाँ से भरना पड़ता है। अच्छा, ये मीटर यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, जब मशीन हम पनीर भर के चालू करेंगे तो इसे हमें जितना भरना है कम पड़ती है उतना ही हम कर लेते हैं। अच्छा, जैसे एरर 12 आ रहा है इसमें, इसमें हमें पता चलेगा कि भाई किस साइज का हमें रसगुल्ला बनाना है। जब मशीन चालू करेंगे तो इसमें नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ये मशीन आपने कब ली थी? ये मशीन हमने होगी 2-3 साल। अच्छा, तो कितने पैसों की ली थी? ये 2 लाख रुपए आई थी। तो मशीन लाने में और पहले जो जमाने में मतलब बनते थे, अब भी बन रहे हैं, उसमें क्या अंतर था, ऐसा क्यों करा आपने की मशीन लिया है? ये तो गंदे हाथ लगते हैं, रसगुल्ला को सफेद निकलता है, काले पीले ऐसे निकलते थे। अरे एक ही साइज निकलता होगा इसमें? एक ही साइज निकलेगा, हाथ से एक साइज नहीं आता कभी भी। अच्छा अच्छा, भैया ये क्या चीज है? ये भैया चाशनी है। अच्छा, और ये जैसे भैया काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब पकाई कर रहे हैं, पकाई कर रहे हैं, रसगुल्ला पक रहा है इसमें। अच्छा, इसमें बिल्कुल फाइनल चल रहा है काम। हाँ। और इधर जो मुझे दिख रहे हैं ड्राम, ये इसमें रसगुल्ले पूरे? हाँ, ये पक्के फाइनल है, ये वाले फाइनल है बिल्कुल। हाँ। भैया तुम्हारे पास किसी को आना हो या तुम्हारे से संपर्क करना हो तो वह कैसे संपर्क करेगा? फोन नंबर और अपनी जगह बता दो। ये गाँव इकड़ी है भैया, जिला मेरठ। अच्छा, तहसील थड़दना। और अपना फोन नंबर और बता दो जी। 9917 जी 1390 20। जी जी।